गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज है ये बुक के पेज नंबर 79 में एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ए सी एंड ई बताया था, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एफ एंड एच बताने जा रही हूँ कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ए सी ई हो चुका था, अब एफ और एच बताना है मुझे। चलिए देखते हैं एफ नंबर कैसे सॉल्व होगा। आ जाइए एफ नंबर में, 3m माइनस 4n इंटू 3m माइनस 4n, ठीक है। देखिए इन ये 3m माइनस 4n है इंटू 3m माइनस 4n, देखिए दोनों इंटू में और सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3m माइनस 4n का होल स्क्वायर, ठीक है। यूजिंग आइडेंटिटी, हम यूज करेंगे आइडेंटिटी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम यूज करेंगे आइडेंटिटी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए हेयर ए इक्वल टू क्या है आपका 3m एंड बी इक्वल टू क्या है आपका 4n, ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या है 3m एंड बी इक्वल टू क्या है 4n है। चलिए अप्लाई करते हैं इस आइडेंटिटी को, ठीक, इस आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी 3m का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू ए यानी 3m, बी यानी 4n प्लस बी स्क्वायर यानी 4n का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या आ गया, 3m का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3m इंटू 4n प्लस 4n का होल स्क्वायर। 3m का होल स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9, एम स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 6 4 जा 24, एम एन प्लस 4 4 जा 16 एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका आंसर आ गया है 9m स्क्वायर माइनस 24mn प्लस 16n स्क्वायर, ठीक है। इसमें इंटू के फॉर्म में था, हमको हमने इसको इस तरह लिख लिया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें आइडेंटिटी के फॉर्म में है, तो हमने उस आइडेंटिटी का यूज़ किया और इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए h नंबर में। देखिए h नंबर है आपका 12a माइनस 6b इंटू 12a प्लस 4b, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 12a माइनस 6b इंटू 12a प्लस 4b। तो देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में है, और यहाँ वैल्यूज भी चेंज हैं, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, h प्लस a इंटू x प्लस b, ठीक है। इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस a इंटू x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू x प्लस ए बी, इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। x प्लस a इंटू x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू x प्लस ए बी, ठीक है। हेयर x इक्वल टू 12a है एंड a इक्वल टू माइनस 6b एंड b इक्वल टू 4b। तो देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, क्या हो गया, x इक्वल टू 12a, a इक्वल टू माइनस 6b एंड b इक्वल टू 4b है, ठीक है। तो देखिए अब इस अब यूज करेंगे हम इस आइडेंटिटी को, 12a माइनस 6b इंटू 12a प्लस 4b, ठीक है, लिख लिया हमने। अब इसको आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, x का स्क्वायर यानी 12a का स्क्वायर प्लस a प्लस b, a यानी माइनस 6b प्लस b यानी 4b इंटू x यानी 12a प्लस a इंटू b यानी माइनस 6b इंटू, यहाँ नहीं आ रहा, नीचे लिख लेते हैं, माइनस 6b इंटू 4b, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 12a का स्क्वायर यानी 12 12 144, a स्क्वायर
देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस सिक्स में फोर माइनस करेंगे बचेगा टू बी, और लेकिन साइन ग्रेटर का नंबर साइन माइनस हो तो आएगा माइनस टू बी इंटू ट्वेल्व ए। फिर देखिए इसको जब इंटू करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो देखिए आ गया 144 ए स्क्वायर। अब जब इसको इंटू करेंगे तो वैल्यू माइनस में आएगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 12 टू जा 24 ए बी माइनस 24 बी स्क्वायर, ठीक। तो देखिए आपका आंसर आ गया 144 ए स्क्वायर माइनस 24 ए बी माइनस 24 बी स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर फाइव में। फाइंड क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइंड द वैल्यू यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। हमें वैल्यू फाइंड करनी है नीचे दी गई जो भी वैल्यू है, हमें नीचे जो भी वैल्यूज दी हैं उनकी, फाइंड द वैल्यू यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, इन सब की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। किसका यूज़ करके, सुटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करके। चलिए फाइंड करते हैं इन सब की वैल्यू। ए सी ई मैं बताऊँगी, बी डी आपके लिए होमवर्क है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव का। ए नंबर है 48 का स्क्वायर। 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 माइनस एट, तो 50 माइनस एट का होल स्क्वायर। तो देखिए अब ये ए माइनस बी सॉरी 50 माइनस टू लिख सकते हैं, ठीक। तो 48 का स्क्वायर, तो 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 माइनस टू, तो 50 में 2 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, तो 50 माइनस टू का होल स्क्वायर। अब देखिए किस फॉर्म में आ गया है, ये आ गया है आपके ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। तो हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हेयर ए इक्वल टू क्या है, 50, एंड बी इक्वल टू क्या है, 2, ठीक है। यूज़ करिए आइडेंटिटी को, 50 माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए यानी 50, बी यानी 2 प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो देखो ए का स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर माइनस 2 ए बी यानी 2 इंटू ए, 50 इंटू बी यानी 2 प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है। 50 का स्क्वायर यानी 2500 आएगा, ठीक है। इसको इंटू करेंगे 50 टू जा 100, 100 टू जा 200 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4, ठीक। अब इसको इसमें प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2504 माइनस 200। अब इसमें माइनस करेंगे 200, 4 में 0 माइनस करेंगे 4, 0 में 0 माइनस करेंगे 0, 5 में 2 माइनस करेंगे 3 एंड 2 का 2, तो आपका आंसर आ गया 2304, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, 48 को हमने लिख लिया 50 माइनस 2 के फॉर्म में, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। फिर इस आइडेंटिटी को हमने यूज़ किया, a की जगह 50 एंड b की जगह 2 पुट किया, और ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, इसमें मतलब हमने वैल्यूज पुट किया और सॉल्व किया, तो आगे 2304। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए आप, नेक्स्ट आ जाइए c नंबर में। बहुत आप 110 इंटू 101, तो उसे क्या 110 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 10, एंड 101 को लिख सकते हैं 100 प्लस 1। ध्यान से देखिएगा, 110 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 10 और 101 को लिख सकते हैं 100 प्लस 1, ठीक है। यूजिंग आइडेंटिटी, अभी हम यूज करेंगे आइडेंटिटी कौन सी वाली, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये यूज़ करेंगे यहाँ पे। हेयर ए एक्स इक्वल टू क्या है 100, ए इक्वल टू क्या है 10, एंड बी इक्वल टू क्या है 1। एक्स इक्वल टू क्या है आपका यहाँ पे 100, ए इक्वल टू 10, एंड बी इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो अब यूज़ करेंगे इस आइडेंटिटी को हम, तो यहाँ लिखेंगे 100 प्लस 10 इंटू 100 प्लस 1, तो x का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x यानी 10 प्लस 1 इंटू 100 प्लस ए बी, ए बी यानी 10 इंटू 1, 100 का स्क्वायर यानी 10,000
10 प्लस 1 यानी 11 इंटू 100 प्लस 10 वन ज़ा 10, ठीक। इसको इससे प्लस करेंगे तो आ जाएगा 10,000, 10 और 11 इंटू 100 यानी 1100, दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपका 11,110 आ गया, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इसको हमने क्या किया, इसमें 110 को हमने लिखा 100 प्लस 10, 101 को लिखा 100 प्लस 1, तो दिस इंटू दिस आ गया, मतलब ये इस फॉर्म में आ गया, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी के फॉर्म में आ गया। यहाँ ए इक्वल टू 100 है, सॉरी एक्स इक्वल टू 100 है, ए इक्वल टू 10 है, बी इक्वल टू 1 है। फिर हमने इस आइडेंटिटी का यूज़ किया, इसमें वैल्यू पुट की एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, एक्स की जगह 100 का स्क्वायर प्लस 10 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 10 इंटू 1, ठीक। फिर इसको हमने सॉल्व किया तो आ गया 11,110 और यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अब आप आ जाइए ई नंबर में, 396 इंटू 404। तो देखिए 396 को हम लिख सकते हैं 400 माइनस 4, तो 400 में जब हम 4 माइनस करेंगे तो हमें 396 मिलेगा, और 404 को हम लिख सकते हैं 400 प्लस 4। ध्यान से देखिएगा 396 को हमने क्या लिख लिया, 400 माइनस 4, जब 400 में 4 माइनस करेंगे तो हमें 396 ही मिलेगा, और 404 को हमने लिख लिया 400 प्लस 4। तो देखिए a माइनस बी एंड a प्लस बी इस फॉर्म में आ गया, तो बताइए किसका किस आइडेंटिटी पे, इस कौन सी आइडेंटिटी इसमें सूट कर रही है। इसमें आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें ये आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे हम यूजिंग यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे a इक्वल टू क्या है आपका 400 एंड b इक्वल टू क्या है 4, ठीक। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, यहाँ a इक्वल टू 400 है एंड b इक्वल टू 4 है, ठीक है। 400 माइनस 4 इंटू 400 प्लस 4, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 400 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, तो 400 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा दिस 1,60,000, और 4 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 16 आएगा, मतलब 400 का स्क्वायर आएगा 1,60,000 एंड 4 का स्क्वायर आएगा 16, और इसमें से इसको माइनस करेंगे देखिए ये इसको कैरी देगा 10, इसको देगा 9, ये 10, इसको कैरी देगा ये 10, ये 9, ये 10, इसको कैरी देगा ये 9, ये 10, तो ये तीनों 9 और ये 10 है, 10 में 6 माइनस करेंगे तो बचेगा 4, 9 में 1 माइनस करेंगे बचेगा 8, ये दोनों 9, जब ये इसको कैरी दे दिया तो बचा 5 और 1 की जगह 1, ठीक। तो आपका आंसर आ गया 1,59,984, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप एक बार और ध्यान से देखेंगे, 396 into 404 है, ठीक है। तो 396 को हमने लिख लिया 400 माइनस 4, और 400 को 4 को हमने लिख लिया 400 प्लस 4, जब इसको माइनस करेंगे तो यही मिलेगा, और 400 में 4 प्लस करेंगे तो हमें 404 मिलेगा, ठीक है। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब देखिए ये किस आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी इसके ऊपर सूट कर रही है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह हमने 400 ले लिया, b की जगह हमने 4 ले लिया, फिर इस आइडेंटिटी का यूज़ किया हमने और वैल्यूज पुट की, तो दिस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, मीन्स 400 माइनस 4 इंटू 400 प्लस 4 इज इक्वल टू होगा 400 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 400 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 400 से, तो आपका आ जाएगा 1,60,000, 4 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 16, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1,59,984, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है, और क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया है। ए सी ई मैंने बता दिया है और बी डी आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन आप लगाइएगा जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाए हैं।
और जो मैंने कराए हैं बताए हैं वो भी लगाइएगा, और जो होमवर्क दिए हैं वो भी लगाइएगा, और कोई डाउट हो तो आप बाद में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी। याद रखिएगा इनकी आइडेंटिटीज़ जो भी इसमें दी हैं उसे ज़रूर लर्न कर लीजिएगा, बिना आइडेंटिटीज़ लर्न किए आपको ये एक्सरसाइज नहीं बन सकती है। ठीक, तो जितने भी आइडेंटिटीज़ हैं सभी लर्न कर लीजिएगा और इस एक्सरसाइज को लगा लीजिएगा।